क्या होगा अगर आप जिंदगी भर सिर्फ दूध ही पीने लगो। दूध हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये किसी विशाल ऊर्जा के स्रोत से कम नहीं है और इसमें लगभग हर वो पोषक तत्व है जो हमारे संपूर्ण विकास के लिए बेहद जरूरी है। आमतौर पर दूध बचपन से बच्चों को काफी मात्रा में पिलाया जाता है ताकि आगे चलकर उनमें किसी प्रकार की कमजोरी नहीं और उनका रोग प्रतिरोधात्मक कार्य भी अच्छी से तरह से होता रहे। बात की जाए इसके मिश्रण की तो इसमें काफी मात्रा में मोलर फैट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, विटामिन्स और कुछ जरूरी एंजाइम्स होते हैं जिनके अपने खास कार्य होते हैं। इसके साथ ही दूध हमें कई बीमारियों जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आदि को रोकने में मदद करता है और ब्लड प्रेशर, मसल हेल्थ में भी काफी लाभदायक होता है। पानी के मुकाबले दूध की 100 मिलीलीटर मात्रा में लगभग 66 कैलोरीज होती हैं, जो पानी के मुकाबले हमें काफी ऊर्जा देने में सक्षम होती है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये दूध हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है और पानी के मुकाबले में भी इसमें कई पोषक तत्व हैं, तो क्यों न हम पूरी जिंदगी केवल इसे ही पिए। दूध में लैक्टोज नामक एक शुगर मौजूद होती है जो हमारे शरीर में मौजूद लैक्टेज नामक एंजाइम द्वारा सही पाचन के लिए शरीर में तोड़ दी जाती है। आपको ये जानकर शायद हैरानी जरूर होगी कि दुनिया की लगभग 65% आबादी लैक्टोज इंटॉलरेंस नाम की कंडीशन से ग्रस्त है, जहां उनके शरीर में बेहद कम मात्रा में ये लैक्टेज एंजाइम उत्पन्न होता है जो दूध में मिलने वाले लैक्टोज शुगर को ठीक तरह से पचा नहीं पाता। अब ऐसे लोगों को अगर अपनी पूरी जिंदगी केवल दूध पर ही गुजारनी पड़े तो परिणाम बेहद घातक हो सकते हैं और जान भी जा सकती है। इसीलिए ये लोग आमतौर पर सोया दूध या बादाम दूध का ही सेवन करते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क, ये तो आपको जरूर पता होगा कि दूध कैल्शियम का एक काफी बड़ा स्रोत है जो हमारी हड्डियों के लिए जरूरी होता है। 100 मिलीलीटर दूध में लगभग 125 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जिसका अगर आप बेहद ज्यादा मात्रा में सेवन करने लगे तो ये आपके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। अगर हम अपनी आम जिंदगी में केवल दूध ही पीते रहें और इसकी मात्रा भी अगर ज्यादा हो तो हमारी बॉडी में कैल्शियम की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इसकी बहुत बड़ा असर हमारी किडनीज पर पड़ता है, जहां पथरी और किडनी खराब होना निश्चित हो जाता है। इसके साथ ही आर्टरीज में मौजूद ये कैल्शियम हार्ट डिजीज और हार्ट फेलियर भी दे सकता है। आमतौर पर शरीर में जब कैल्शियम की मात्रा काफी ज्यादा हो जाती है तो मिल्क अल्कली सिंड्रोम हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में एसिड और बेस में असंतुलन हो जाता है। इसके साथ ही कैल्शियम के हद से ज्यादा सेवन करने से इंसानों में ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर के खतरे बढ़ जाते हैं। ये कैल्शियम की ज्यादा मात्रा अक्सर शरीर में मैग्नीशियम की मात्रा काफी कम कर देती है, जिसकी वजह से कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, स्वीडन में दूध के सेवन पर की गई एक स्टडी काफी चौंकाने वाली थी, जिसका परिणाम ये निकला था कि यदि लोग काफी ज्यादा मात्रा में दूध पीते लगे तो इसकी वजह से उनमें मृत्यु दर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इस स्टडी में लगभग 61,000 से ज्यादा महिलाओं और 45,000 से अधिक पुरुषों को लिया गया। जिन महिलाओं ने एक दिन में 3 या उससे अधिक ग्लास दूध पिया, उनमें केवल एक ग्लास दूध पीने वाली महिलाओं के मुकाबले कैंसर से मरने की संभावना 44% ज्यादा बढ़ गई। पुरुषों में ये मृत्यु दर 10% तक बढ़ गया था। अब जैसा कि आपको पता है कि दूध में काफी फैट मौजूद होता है जो कई कैलोरीज एनर्जी देता है, ज्यादा मात्रा में दूध पीने से वेट गेन की समस्या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लोगों को उस खाने की भूख कम लगने लगती है जिनमें वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अक्सर दूध में नहीं मिलते, जैसे कि फाइबर्स, आयरन वगैरह। ये पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए बेहद ज्यादा जरूरी होते हैं, जो हमारे शरीर के सेल्स और टिश्यूज में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में, ब्लड शुगर मैनेज करने में, इम्यून सिस्टम में काफी मदद करते हैं। अब अगर आप केवल दूध पीकर ही जिंदा रहना चाहते हैं तो इन सभी पोषक तत्वों से आपको दूर रहना पड़ेगा। इसके साथ ही दोस्तों, स्टडी में ये परिणाम भी निकाला गया कि ज्यादा मात्रा में दूध पीने से हड्डियों पर काफी असर पड़ता है, जिसकी वजह से उनमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है।